जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। नबील भाई और भाभी हमारे साथ मौजूद हैं सर, एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बुलबुले को कितने साल हो गए? 12वां साल। बुलबुले को 12 साल, क्या बात है। और इस प्रोजेक्ट को कितने साल हो गए माशाल्लाह? ये प्रोजेक्ट 30 साल नहीं 21 21 साल 21वां साल। ओहो, तो शानदार माशाल्लाह। ये बुलबुले जैसे ही हिट जा रहा है ये प्रोजेक्ट में माशाल्लाह। मेरी तरफ से तो हिट है, बेगम का बयान लेना। आप दोनों आप इनकी राय से मुत्तफिक हैं। तो ये प्रोजेक्ट कैसे तकमील तक पहुंचा था, ये किसके जहन, ये पहला, जिस तरह बुलबुले के बारे में पूछा ना यार, पहला आइडिया किसका था, उस आदमी को दाद दो, ये पहला आइडिया किसका था? वो इनका था। अच्छा, जब मैंने धुआं देखा था इन्होंने। धुआं देखा था? आप कहाँ रहती थी? मैं स्कॉटलैंड में थी लेकिन पाकिस्तान आई हुई थी। अच्छा। तो मैं कजन्स के साथ बैठ के वो ड्रामा देख रही थी। सही है। एंड आई सेड कि बंदा शादी करे तो इससे कर वरना ना करे। चौदह साल की लड़की जो स्कॉटलैंड में रहती है, पाकिस्तान आई हुई है, धुआं देख रही है और नबी को देख के कह रही है कि शादी करे बंदा तो ऐसे आदमी से करे, और फिर कर लिया ऐसे। तो फिर हो गई ऐसे, तो हमारे यहाँ रक्षा नहीं करता। कैसे मुलाकात हुई थी? ग्लासगो। अच्छा। She was studying there, और मैं एक शूट कर रहा था देश परदेश। सही है। तो वहाँ रेलवे स्टेशन बड़ा रोमांटिक और बड़ा रेलवे स्टेशन, तो वहाँ ये अपने वो कई कोई ट्रेन ले रही थी, मैं शूट कर रहा था। इत्तेफाक था ये सारा? इत्तेफाक, ये पूरी फिल्मी सिचुएशन है। हाँ, और वहाँ फिर आप ये आए आपके पास ऑटोग्राफ लेने? हाँ, मैंने ऑटोग्राफ लिया। मैंने निकाहनामा दे दिया ऑटोग्राफ के साथ, नंबर भी दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं दिया था, इन्होंने मांगा। नहीं मांगा। आप इतने मासूम, आपने कहा चलो आप बता आपको क्या कर रहे मासूमियत बल्कि आप तो मेरे ख्याल हर किसी को दे रहे होंगे। नहीं ऐसा, इस दफा मुख्तलिफ मामले था कि इन्होंने मांगा था, आपने खा देते हैं फिर वो। अब इसलिए एहतरामन मैंने कहा बुरी बात क्या, तो मांगे। चलो अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे। तो भाभी ये बस आइंदा नहीं देना किसी। हाँ ये बात, मैं जब तारुफ करवाता हूँ इसका तो मैं कहता हूँ मीट माय, मतलब मेरी बीवी से, पहली बीवी से मिले। क्या मतलब वो, हाँ तो वो आगे से कहती है आई विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर आई एम द लास्ट। ये तरतीब यहीं से शुरू होगी, यहीं पे खत्म है ना फिलहाल? सर इधर से ही, इधर से ही। अच्छा, इस मामले में महमूद साहब से मुतासिर नहीं है आप? उनको कहती है महमूद साहब से दूर रहो, इसलिए कि वो तो मामला दूसरा है ना। महमूद नहीं, नहीं महमूद साहब से मेरी 28 साल पुरानी, मतलब ऑलमोस्ट मुझे शोबिज में आए हुए 29-30 साल। बुलबुले 12 साल पुराना, शादी 21 साल पुरानी और महमूद साहब से ताल्लुक 28 साल पुराना। जी जी जी, इतना पुराना है वो। तो भाभी ये घर पे भी जिस तरह बुलबुले के नबील जो है वो तो अपनी बेगम की सुन लेते हैं, बेगम खुद भी कह रहे हो, तो ये घर पे घर वाले नबील भी ऐसे ही सुनती है? घर के नबील बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, वो लोग ये समझते हैं ना मैं कुछ करता नहीं, उनका ये ख्याल है कि ससुर मुझे पाल रहे हैं। हां हां सही, उनको आईडिया नहीं। बुलबुले का नबील ऐसा होता है, जरा दिखाएं कैसा होता है बुलबुले जो खामोशी से सुन रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। अपने कमरे में जाके खेलो। वाह, माँ जी सो रही हैं। तो मैं यहाँ फुटबॉल खेल रहा हूँ। हाँ तो फुटबॉल है ही नहीं। खूबसूरत। क्या हुआ नबी, क्यों चला रहे हो? अब क्या ये बच्चे मुझे संडे को भी नहीं सोने देंगे? तुम्हारे लिए तो रोज संडे होता है नबील। उन्हें तो क्या पापा, तुम चुप करो यार, बच्चों के सामने तो ऐसी बातें नहीं करो ना। कोई नहीं यार, मुझे क्यों चला रहे हो? ये असल जिंदगी वाला नबील भी इतना काम चोर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये खाली बुलबुले क्या? सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग लगता है आई विश मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ और मेरे ससुर भेजते रहे। हाँ, ये अगला सवाल यही था, ससुर वाला कुछ दिखाएं कुछ जरा, मैं कुछ ससुर क्या हुआ? हाँ क्या भाई, काम करो, पापा जी से ना 30-40 लाख रुपए मंगवा लो। इस खुशी में जानू, मैं चाहता हूँ कि महमूद साहब का इलाज जो है वो मैं लंदन में करवाऊँ, और जब तक मेरा बाप ठीक नहीं होगा मैं लंदन से वापस नहीं आऊंगा जानू। शट अप नबील। ओके जानू। तो फॉरेन कॉम्प्रोमाइजिंग, यहाँ तो ससुर के पैसों पे या सास के पैसों पे या कुछ? बिल्कुल भी नहीं, पक्की बात है, पक्की बात। अच्छा, लेकिन ये बुलबुले मतलब ऐसा रहता है दिन में 28 मरतबा चलता है, और 28 मरतबा में से 2800 मरतबा ये आयशा उमर को इतना प्यार से मुखातिब करते हैं, तो इसमें कभी कभी आपको जलसी होती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, असल जिंदगी में उन्होंने ज्यादा प्यार से आयशा को मुखातिब किया होगा या आपसे, तादाद के एतबार से? जो आप लोग रिपीट करते हैं उससे तो आयशा ही बनती है। ये क्रेडिट गोज टू जेजे भाई, उन्होंने इसको नेशनल एंथम बना दिया है। लेकिन ये कि उसमें उस हिसाब से तो मैं 10-15 शादियां भी कर लूंगा तो फिर भी आयशा ही बनेगी। कभी ऐसा हुआ इन्होंने आपको गलती से खूबसूरत कह दिया, या आपको असल में खूबसूरत कह रहे हैं और आपको लगा कि आयशा की बात कर रहे हैं?
ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर. मैं मुझे तुमसे भी प्यार जिंदगी भी अजीज. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.